दोस्तों, वैसे तो ऑफिस और बिजनेस के लिए हमेशा से लेजर प्रिंटर को आइडियल माना जाता है, पर लेजर प्रिंटर थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करते हैं और उनको रिफिल करने के लिए कार्टेज निकालो, रिफिल करो और ये सब कुछ करना पड़ता है। टेक्निकली नॉलेज भी होना चाहिए, तो कभी कभी हम लेजर प्रिंटर को अवॉइड करते हैं इन सब वजहों से। पर दोस्तों, कितना अच्छा हो आपका लेजर प्रिंटर अगर बिजली भी बचाए और साथ में उसको रिफिल करने के लिए हमें बार बार उसके कार्टेज को निकालना ना पड़े, उसका ड्रम चेंज ना करना पड़े और वो इंक टैंक टेक्नोलॉजी के साथ आए और साथ ही उसमें वो सारी खूबियां हो जो हम अपने बिजनेस के लिए एक लेजर प्रिंटर में ढूंढते हैं। दोस्तों, ऐसा एक कंप्लीट प्रिंटर है जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ये लेजर टैंक टेक्नोलॉजी पर आधारित है जिसकी वजह से आपको इसमें रिफिल करने के लिए किसी भी तरह का झंझट नहीं करना पड़ता, बस चुटकियों में आप इसके टैंक को फिल कर सकते हैं और साथ ही ये ADF ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग जैसी बहुत सारी खूबियों के साथ आता है। तो दोस्तों, वीडियो में प्रिंटर के बारे में ज्यादा जानने के लिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन जुगाड़। ऑनलाइन जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। दोस्तों, HP ने रिसेंटली मार्केट में 3 ऐसे धमाकेदार प्रिंटर्स लॉन्च किए हैं जो बिजनेस में काफी फायदा देने वाले हैं। दोस्तों, इन तीनों ही प्रिंटर में HP ने पहली बार लेजर टैंक टेक्नोलॉजी का यूज किया है जिसकी वजह से आपको बार बार कार्टेज चेंज नहीं करनी पड़ेगी, कार्टेज को निकाल के रिफिल नहीं करवाना पड़ेगा, किसी टेक्नीशियन की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। बस सिंपली जो टोनर किट HP ने लॉन्च की है उसको आप इसमें प्लग करिए और बस वो आराम से अपने आप रिफिल हो जाएगा। ये रिफिल किट आपको दो तरह के ऑप्शन में मिल जाएगी, एक से आप 2500 प्रिंट आउट निकाल सकते हैं 2500 और दूसरी से आपको 5000 प्रिंट आउट मिलने वाले हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस प्रिंटर की तो ये प्रिंटर है HP लेजर जेट टैंक MFP 2606। दोस्तों, इस प्रिंटर में HP ने कोई भी ऐसी खूबी छोड़ी नहीं है जो डाली ना हो। जी हाँ दोस्तों, ये प्रिंट स्कैन और कॉपी के फीचर के साथ आता है, A4 साइज तक की प्रिंटिंग और स्कैनिंग बड़े आराम से करता है। इसमें आपको डुअल साइड प्रिंटिंग यानी कि ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग वो भी ऑटोमेटिक ऑप्शन मिल जाएगा और साथ ही इसमें आपको ADF यानी कि ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर की फैसिलिटी भी मिलने वाली है। अगर प्रिंटर के बारे में डिटेल्स से बात करें तो ये प्रिंटर काफी लाइट वेट है, जैसे कि जो लेजर प्रिंटर्स होते हैं वो काफी हैवी होते हैं, पर इसका वजन जो है इतनी सारी खूबी और इतने सारे अटैचमेंट के बावजूद भी केवल 9 किलो के आसपास है, जिसको आप आराम से कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बिजनेस के लिए हम प्रिंटर चूज करते हैं तो हम ध्यान में रखते हैं कि हमें सस्ती प्रिंटिंग मिले और साथ ही हमें बहुत स्पीड में प्रिंट आउट मिल जाए। तो दोस्तों, ये प्रिंटर 1 मिनट में 22 पेजेस प्रिंट कर देगा जो कि काफी अच्छी स्पीड है किसी भी शॉप या बिजनेस के लिए। और प्रिंटर की जो टोनर रिफिल किट है उसकी मदद से आपको जो प्रिंटिंग कॉस्ट पड़ने वाली है वो पड़ने वाली है केवल 29 पैसे पर पेज। तो दोस्तों, इतनी सारी खूबियों वाले इस प्रिंटर के बारे में थोड़ी सी डिटेल और जान लेते हैं। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, इस प्रिंटर को कुछ स्पेशल तरह से डिजाइन किया गया है। पहली बार किसी प्रिंटर में जो ऑपरेशन के लिए बटन्स दिए गए हैं और LED दी गई है वो नीचे जहां पर पेपर स्टोर किए जाते हैं इस जगह दी गई है। साथ में कुछ बटन हैं और यहाँ ऊपर एक आपको वाईफाई के लिए सेपरेट बटन भी दिया गया है। साथ ही ये प्रिंटर USB के साथ भी कनेक्ट हो जाता है किसी भी लैपटॉप और डेस्कटॉप से और साथ ही आप इसको LAN केबल की मदद से नेटवर्क से भी जोड़ सकते हैं। HP के स्मार्ट ऐप को यूज करके आप किसी भी स्मार्टफोन से इसको कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं और साथ ही ये एप्पल macOS को भी सपोर्ट करता है और एप्पल AirPrint को भी ये सपोर्ट करता है। ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर यानी ADF के लिए 40 पेजेस का स्टोरेज मिल जाता है जिसमें आप एक बार में 40 पेज स्टोर कर सकते हैं। अगर स्टोरेज की बात करी दी है तो आपको बता दें कि नीचे इनपुट ट्रे में आपको पूरे 250 पेजेस के स्टोरेज की कैपेसिटी मिलती है जो काफी ज्यादा है। दोस्तों, इस प्रिंटर के साथ जो और प्रिंटर लॉन्च हुए हैं उनमें से एक HP 1005 है और इस प्रिंटर के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है जिसको आपने बहुत पसंद किया। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ आई बटन पर आपको मिल जाएगा, क्लिक करके जरूर देखिए क्योंकि उसमें भी आपको काफी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी इस प्रिंटर के बारे में भी और उस प्रिंटर के बारे में, क्योंकि दोनों में सेम टेक्नोलॉजी यूज की गई है। टेक्नोलॉजी की अगर बात कर रहे हैं तो बता दूं कि जो इसमें ऑटोमेटिक टोनर रिफिल किट है
वो केवल 15 सेकंड का टाइम लेती है रिफिल करने के लिए, जिससे कि आपका टाइम बचता है। और अगर आपकी शॉप पर बहुत भीड़ लगी है या फिर ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है तो आपको रिफिल कराने की टेंशन नहीं लेनी। विद इन 15 सेकंड आपका प्रिंटर रिफिल भी हो जाएगा और ऑटोमेटिकली दोबारा प्रिंटिंग के लिए रेडी हो जाएगा। और दोस्तों स्पीड की अगर बात करें तो एचपी का कहना है कि इस बार इस प्रिंटर में आपको पिछले प्रिंटर की तुलना में 5 गुना ज्यादा प्रिंटिंग देखने को मिलने वाली है। दोस्तों वैसे तो लेजर प्रिंटर जाने जाते हैं काफी हैवी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए, लेकिन इस बार एचपी ने इस प्रिंटर में कुछ ऐसे फीचर्स डाले हैं जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता है। और साथ ही इसमें एक ऐसा फीचर है जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा जब आप इसको यूज नहीं करेंगे, जिससे कि ऑटोमेटिकली बिजली कम खर्च होने वाली है। ये बिजनेस के लिए पूरी तरह से आइडियल प्रिंटर है और ये 25,000 पेजेस की ड्यूटी साइकिल के साथ आता है। और एचपी का कहना है कि जो इसका ड्रम है वो 50,000 प्रिंट तक बड़े आराम से प्रिंट कर देगा, और अगर आप आराम से यूज करते हैं तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि आपको ड्रम चेंज करने की भी टेंशन नहीं लेनी जल्दी जल्दी। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स करते हैं जिनका रिप्लाई मैं कमेंट करने से पहले आपको यहां देना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि ये प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटआउट निकालता है, जैसा कि आपको पता ही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या इसमें कलर प्रिंटआउट निकाल सकते हैं, तो जी नहीं, ये ब्लैक प्रिंटआउट निकालता है। और दूसरी बात ये कि इसमें आप 60 GSM से लेकर के 165 GSM तक का पेपर यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कॉस्ट की, तो केवल प्रिंटर की कॉस्ट की बात ही नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे रिफिलिंग की कॉस्ट की भी। तो जो इसकी रिफिल किट है उसमें जो 2500 पेजेस वाली रिफिल किट है वो लगभग 800 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगी, वो भी ओरिजिनल। और जो 5000 पेजेस वाली किट है वो आपको 1400 यानी कि 1400 रुपए के आसपास मिल जाएगी। और अगर बात करें प्रिंटर की कॉस्ट की, तो ये प्रिंटर इतनी सारी खूबियों के साथ आपको 28,000 में मिल जाएगा। और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं या इसके बारे में डिटेल चाहते हैं तो मैंने वीडियो के नीचे लिंक दे दिया है, आप उस पर क्लिक करिए, आज का करंट प्राइस भी आपको पता चल जाएगा और बाकी की डिटेल्स आपको उस लिंक पर क्लिक करने पर पता चल जाएगी। तो दोस्तों अगर इस प्रिंटर के बारे में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो निसंकोच नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए ताकि आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के भी ये वीडियो काम आ सके। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।